ओके, लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ एस्टिमेशन पेपर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड बाय ट्रांसमिशन लाइन. योर आंसर शुड बी स्ट्रिप अर्थिंग. डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग इन ट्रांसमिशन लाइन. व्हिच टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड, सो यू जस्ट नीड टू ट्रिक स्ट्रिप अर्थिंग. सेकेंड क्वेश्चन, वॉट इज़ द डायमेंशन ऑफ कॉपर स्ट्रीप यूज फॉर द स्ट्रीप अर्थिंग. तो स्ट्रीप अर्थिंग जिते बेले हेसी सेथि केते डायमेंशन रो कॉपर स्ट्रीप यूज करा जायसी. तो 25 mm इंटू 4 mm डायमेंशन रो कॉपर स्ट्रीप यूज करा जायसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीकेज करेंट मस्ट नॉट बी मोर देन 1/5000 ऑफ द मैक्सिमम सप्लाई करंट. तो लीकेज करंट उपर जदि क्वेश्चन आसवा तो क्वेश्चन रे इटा पचरिथिबे कि जन लीकेज करंट थीसी से तार वैल्यू केते नु बेसी नाही हेबार कथा. तो तमे लिखबो आंसर टिक करबो 1/5000 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम सप्लाई करंट रु बेसी नाही हेबार कथा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो जितेबेला आमे मेन स्विच बोर्ड के इनस्टॉल करसु तो ताले किछि गुटे वर्किंग स्पेस आमे छाड़ी दिया जाए. वर्किंग स्पेस रखा जाए पाखापाखी 0.914 meter, पाखापाखी 1 meter वर्किंग स्पेस दिया जाए. इटा केन रूल आसी छे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 51 रो आसी छे कि 0.914 meter और अप्रोक्सीमेटली 1 meter वर्किंग स्पेस दबा के पड़वा स्विच बोर्ड रो अराउंड रे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्सुलेशन रेजिस्टेंस corrected at 25 degree centigrade if it is measured to be different. जदि insulation resistance different आसुचे ताले ताके correct करा जीवा केते degree centigrade रे 25 degree centigrade. maximum distance between two successive cleats, maximum distance between two successive cleats केते रखा जाएसी. तो maximum distance between two successive cleats रखा जाएसी 0.6 meter. तो जिते बारे तुमको मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग बताई थी से तुमको क्लीट वायरिंग बताई थी. तो क्लीट वायरिंग रे आमे क्लीट्स यूज करी थी सु. तो गुटे दुईटा क्लीट्स रो भितरे केते रो डिस्टेंस रखा जाए 0.6 meter रो गैप रखा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इक्विपमेंट्स यूज्ड इन पावर वायरिंग शैल बी ऑफ आयरन क्लैड. तो जितकी भी हमें इक्विपमेंट यूज करसुँ पावर वायरिंग रे से सब इक्विपमेंट केन थीरे बनाई थी सी आयरन क्लैड रे बनाई थी सी. मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल कंड्यूट इन मोटर इंस्टॉलेशन इज लेस देन 1.25 meter. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंड्यूट जितेले पढ़े थी तो सेतेले मैं कही थी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंड्यूट. से भितर गोटे टाइप रो कंड्यूट थी फ्लेक्सिबल कंड्यूट. तो फ्लेक्सिबल कंड्यूट जितेबले तुम्हें कनेक्ट करबो से तार लेंथटा इन मोटर इंस्टॉलेशन इज नॉट इज लेस देन 1.25 meter रखा जाए ताकि 1.25 meter नु कम रखा जाए मोटर इंस्टॉलेशन केस रे फ्लेक्सिबल कंड्यूटर लेंथ के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुडन पोल कैन बी यूज्ड अप टू 60 kilometer. तो क्वेश्चन चार्टा कि पांचटा चार्टा ऑप्शन दिया कि 50, 60, 70, 80. तो अप टू 60 kilometer तक आम बेसिकली यूज करसु वुडन पोल. तानु बेसी हेल्ला आम डिफरेंट अदर टाइप ऑफ पोल्स की यूज करसु. वुडन पोल रो यूज लिमिटेड टू 60 meter ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, एच टाइप ऑफ पोल यूज्ड फॉर 130 kV. तो जदि तुम 133 kV लाइन और ट्रांसमिशन करुच से केन टाइप रो पोल यूज करा जाएगा एच टाइप रो पोल रो यूज करा जाएगा. तो चार्टा ऑप्शन दिया थी 130 kV लाइन लगे केन टाइप रो पोल यूज करा जाएगा. तो एच टाइप पोल आंसर तुम ठीक हाँ. स्टील रेल पोल्स ऑफ हाइट 13 meter. तो इन गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन जना पड़ुचे कि मोर जेन रेल पोल्स थीसी हाइट 13 meter थीसी जेनटा कि आम यूज करथिसु ट्रांसमिशन परपज ऑफ 33 kV. तो 33 kV लाइन जदि आम ट्रांसमिशन होचे तो तार लागि जेन स्टील रेल पोल यूज करा जेबा तार हाइट 33 meter रखा जायसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी केबल डज नॉट रिक्वायर बेडिंग. तो चार्टा ऑप्शन दिखाई थी पचारिथर केन केबल बेडिंग रो दरकार नहीं पड़े. तो पीवीसी केबल डज नॉट रिक्वायर बेडिंग. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इम्प्रिग्नेटेड पेपर इंसुलेशन इज चार्टा ऑप्शन थी से भितर करेक्ट आंसर हवा 3.5 रूल नंबर 73. सो बेसिकली रूल नंबर 73 इज द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल दैट डील्स विद द सप्लाई
टू एक्सरे एंड हाई फ्रिक्वेन्सी इंस्टॉलेशन। तो बेसिकली देखो जेन मेडिकल मन को एक्सरे इंस्टॉलेशन ऐसी एक्सरे इक्विपमेंट मन को इंस्टॉल करा जाए सी हाई फ्रिक्वेन्सी डिवाइस को जितने इंस्टॉल करा जाए ताके केन हिसाब से सप्लाई दिया जीवा से तार रूलटा आम रूल 73 रे स्पेसीफाइड करा जाए। तो जदि एक्सरे रिलेटेड क्वेश्चन आसूचे आ पचरा जाए कि केन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूलटा डिफाइन करूचे सप्लाई टू एक्सरे और हाई फ्रिक्वेन्सी इंस्टॉलेशन, तो तुम राइट आंसर हवा रूल 73। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, सेक्शन 39 इन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल डील्स विथ थेफ्ट ऑफ एनर्जी। जेन आमर एनर्जी रो चोरी होचे से एनर्जी चोरी के बेसिकली से एनर्जी चोरी रिलेटेड लॉटा होचे आमर सेक्शन 39 रे स्पेसिफाइड करा जायचे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। तो जे तुमको एनर्जी थेफ्ट लागि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल रो केन सेक्शन रे डिस्कस करा जायचे क्वेश्चन आसुचे तो तुम सेक्शन 39 आंसर मारबो। एंते भी क्वेश्चन आसी पारे कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल रो सेक्शन 39 कहा के डिफाइन करूचे कहार उपरे आइडिया दूचे तो थेफ्ट ऑफ एनर्जी उपरे डिस्कस करा जायचे। नेक्स्ट, सिल्क एंड कॉटन केबल्स आर यूज्ड फॉर लो वोल्टेज। तो तुमको क्वेश्चन पचराइ थी कि सिल्क एंड कॉटन रे जेन केबल बना जाए से केन वोल्टेज लेवल लगे बेसिकली यूज करा जाए तो लो वोल्टेज लेवल लगे यूज करा जाए। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर केबल्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दे कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 133 डिग्री सेंटीग्रेड 130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो XLPE केबल जन थी से माने मैक्सिमम 130 डिग्री सेंटीग्रेड रो टेम्परेचर के विथस्टैंड करी पार्सन। तो चारटा ऑप्शन दे 30 डिग्री 40 डिग्री 70 डिग्री 130 डिग्री, तो मैक्सिमम 130 डिग्री राइट आंसर हबो। सेमीकंडक्टर फ्यूजेस रो खासियत होचे दे एक्ट वेरी फास्ट, तो तांकर ऑपरेशन जन थी बहुत ही फास्ट थी। तो जदि तुमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज चारटा ऑप्शन दिया भितर केनटा बहुत फास्ट ऑपरेट करसी पचरा जीवा तो ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर फ्यूज रे टिक करू। अंडरग्राउंड सर्विस लाइन्स यूज्ड फॉर डिस्टेंस मोर देन 29 मीटर। तो बेसिकली यदि मोर देन 29 मीटर लगे तुम सर्विस लाइन यूज करूच अंडरग्राउंड रे तले सेटा अंडरग्राउंड सर्विस लाइन यूज्ड फॉर डिस्टेंस मोर देन 29-25 मीटर ही हवा। स्पेसिफिकेशन ऑफ जीआई अर्थ प्लेट इज, तो तुमको गाल्वनाइज्ड आयरन अर्थ प्लेट जितने प्लेट अर्थिंग पढ़ी थी से कही ये जो जीआई अर्थ प्लेट यूज कर डायमेंशन टा के रखा जाए 60 cm × 60 cm × 6 mm लेंथ ब्रेथ हाइट तीन टा जिनस रहा ना। तो से प्लेटर थिकनेस कि तार लेंथ कि ब्रेथ कि तो 60 cm × 60 cm और थिकनेसटा बेसिकली 6 mm रिसी। 10 kg सल्ट एंड 10 kg चारकोल इज निडेड फॉर जीआई पाइप अर्थिंग कला बोले तुमको सॉल्ट आउ चारकोल यूज करा लगसी। तो केते केजी रो सॉल्ट लगवा 10 kg रो सॉल्ट लगवा आउ चारकोल लगवा 10 kg रो एप्रोक्सीमेटली। तो तुमको यदि डिफरेंट चारटा ऑप्शन दिया कॉम्बिनेशन दिया भितर केनटा बेस्ट कॉम्बिनेशन आए फॉर पाइप अर्थिंग, तो 10 kg रो सॉल्ट 10 kg रो चारकोल सबुठ बेस्ट कॉम्बिनेशन हवा। नेक्स्ट इज बैलेस्ट रेजिस्टेंस एंड चोक आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो तुम चोक आउ जेन बैलेस्ट रेजिस्टेंस थी सेटा के सीरीज रे कनेक्ट करा जायसी। तुमको ऑप्शन ने दिया थी सीरीज रे कनेक्ट करा जायसी कि पैरेलल कनेक्ट करा जायसी कि एनी अदर मेथड रे कनेक्ट करा जायसी, तो सिंपली सीरीज रे कनेक्ट करा जायसी रो ऑप्शन के टिक करबो। नेक्स्ट इज 7500 आवर नॉर्मल लाइफ ऑफ ए फ्लोरोसेंट लैंप। तो क्वेश्चन ने पचरा थी कि जेन फ्लोरोसेंट लैंप थी सेमानकर नॉर्मल लाइफ केते टाइम थीसी। तो पाखापाखि 7500 आवर लाइफ से मानकर थीसी। 7/0.915 mm केबल ऑफ कॉपर कंडक्टर इज यूज्ड फॉर ए 10 HP 500 volt डीसी मोटर। तो क्वेश्चन जदि पचरी थी कि गोटे 10 HP रो 500 volt डीसी मोटर अच्छे से लगे आम जब केबल यूज करमा से तार थिकनेस केते हेबा तो 7/0.915 mm थिकनेस वाला केबल यूज करा जीवा। ये 7 स्टैंड करूचे कि केते नंबर रो तुम स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज कराइचे आ इटा से थिकनेस इंडिविजुअल स्टैंडर्ड कंडक्टर और केबल रो थिकनेस के इंडिकेट करूचे 0.915 mm। 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कनेक्शन रिक्वायर्ड फॉर मोटर फ्रेम एज फॉर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 61। तो जदि तुम मोटर फ्रेम रो कनेक्शन करूच तले दुईटा सेपरेट कनेक्शन लगवा और बोथ आर डिस्टिंक्ट कनेक्शन अलग कनेक्शन रहेबे आउ इटा केन रूल आमको बतौचे इटा बतौचे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 61।
क्वेश्चन पचराई गोटे डिस्टिंक्ट कनेक्शन दरकार पड़वा कि दुईटा सेपरेट कनेक्शन दरकार पड़वा इधर ईटा हिसाब से पचरि पारे ना तो क्वेश्चन पचार कि टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कनेक्शन रिक्वायर्ड फॉर मोटर फ्रेम एज फॉर व्हिच इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल तो सिंपली इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 61 रे क्लिक करा जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 mm स्पेसिंग बिटवीन टू कंडक्टर इफ वर्किंग वोल्टेज इज 11 kV तो जदि वर्किंग वोल्टेज आम 11 kV अच्छे तो केते mm रो स्पेसिंग रहबा दुटा कंडक्टर रो इन बिटवीन रे 101 mm रो थिकनेस 10 mm रो गैप मेंटेन करा जीवा दुटा कंडक्टर रो इन बिटवीन रे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंगल बिटवीन पोल एंड स्टे इज 30 degree। बेसिकली आमर जेन एंगल मेंटेन करा जाए स्टे वायर एंड पोल भितर से नियरली 30 degree रु 45 degree भितर मेंटेन करा जाए। तो एग्जाम तुम देख 30 रु 45 भितर जेन ऑप्शन दिया है सेटा के क्लिक करदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.9 इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 11 kV लाइन। तो 11 kV लाइन रो मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी डिटर्मिन कला बेले गोटे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रो यूज करा जाए से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आम बेसिकली 0.9 नहींसु मैंने 0.9 के मल्टीप्लाय करके तार आम करंट कैरिंग कैपेसिटीटा बाहर करदेसु। अदर फैक्टर उपर भी तो डिपेंड करवा ऑब्वियसली माने पावर फैक्टर केते अछे तार उपरे भी डिपेंड करवा और केते पावर कैरी करूच लाइन तार उपरे भी डिपेंड करवा बट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आम बेसिकली नहीं थी 0.9 रो। हाइट ऑफ रूफ पोल शुड बी लेस देन 3 meter। तो आमर रूफ उपरे गुटे थोड़े थोड़े पोल के इंस्टॉल करा लगसी से पोल मानकर हाइटटा बेसिकली 3 meter कम थीसी। तो जदि क्वेश्चन आसुचे कि रूफ पोल रे जेन रूफ पोल जेन आम यूज करसू तार हाइटटा केते मीटर रु कम थीसी तो 3 meter कम थीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन लो टेंशन 3.5 कोर केबल इज यूज फॉर अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। जदि अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन हो जे तार लागि जेन आम केबल यूज करमा सेटा केते कोर रो हेतिबा 3.5 कोर रो ने 3 आमर इंडिकेट करूचे तीनटा लाइन कंडक्टर एंड हाफ इंडिकेट करूचे न्यूट्रल कंडक्टर के इतर थिकनेस जेतु कम थी से हाफ रे ताकि इंडिकेट करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हाई वोल्टेज इक्विपमेंट इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज 1 mega ohm। हाई वोल्टेज इक्विपमेंट जितकी भी थीसन से इंसुलेशन रेजिस्टेंस केते थीसी 1 mega ohm थीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी वेरिएशन अलाउड इज 3%। तो आम पावर प्लांट रो होगा कि डोमेस्टिक पर्पज आम जेन सप्लाय आसूचे से किसी गोटे फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेट करूचे तो तार फ्रिक्वेन्सी वेरिएशनटा 3% रु बेसी नहीं होवार कथा माने सप्लाय फ्रिक्वेन्सी जदि 50 Hz अच्छे तो से 50 रो 3% बेसी ना तो 3% कम भितर ही आम फ्रिक्वेन्सी वेरिएशन होवार कथा माने पाखापाखी 49.5 Hz रु 51.5 Hz इन बिटवीन रे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इज अलाउड। तानु यदि बेसी हो जाए कि कम हो जाए तो जो मैंने सर्विस प्रोवाइड कर पावर जनरेशन कंपनी अच्छे तार उपरे पेनाल्टी भी लगसी। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल सेक्शन 44 डील करूचे पेनाल्टी फॉर इंटरफेरेंस विथ मीटर। तो जदि जो मीटर रे छेड़खानी करूचे ताले से तार उपरे काना एक्शन निया से तार उपरे आमर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 44 डिस्कस करीचे। तो क्वेश्चन आसी पारे कि पेनाल्टी फॉर इंटरफेरेंस विथ मीटर केन रूल रे डिफाइन कराई जाए तो सिंपली सेक्शन 44 इज द राइट आंसर हवा। ब्रांच सर्किट मस्ट नॉट फीड मोर देन 10 point। तो तुम्हें जदि गोटे ब्रांच सर्किट डिजाइन करूज से 10 point रु बेसी नहीं नब 10 point रु बेसी नहीं नब से पॉइंट फैन पॉइंट हो पारे लाइट्स पॉइंट हो पारे बट 10 point रु बेसी नहीं होवार कथा। जदि 5 फैन अच्छे आउ 3 लाइन अच्छे पांचटा सपोज 5 बॉल अच्छे 4 फैन अच्छे तो 5 नाला आउ से हिसाब से गोटे ही ब्रांच सर्किट रे ही आम इनक्लूड करदे। लेकिन सपोज 8 बॉल अच्छे आउ 4 आमर फैन अच्छे तो ये हिसाब से 8 4 12 हो जाए तो ये केस रे आमको सेपरेट माने दुईटा आमको ब्रांच सर्किट दरकार पड़वा टोटल 10 points टोटल 12 points के डील करवार लगी। केवे भी 12 points के गोटे ही ब्रांच सर्किट आम इनक्लूड नहीं करूँ दुईटा सेपरेट करमा आउ यूज कर पारमा। तो 10 points रु केवे बेसी आम इनक्लूड नहीं करूँ केनसी भी गोटे ब्रांच सर्किट रे। हाउ मेनी आउटलेट्स आर परमिटेड इन ए पावर सर्किट। तो बेसिकली पावर सर्किट रे दुईटा ही आउटलेट आमको परमिटेड करा जाइछे। जदि तुम्हार गोटे पॉइंट रे तुम्हें हीटर ऑन करुछ तो आउ गोटे पॉइंट रे एसी ऑन कर पारबो दुईटा ही आउटलेट गोटे ही आमर पावर सर्किट रे अलाउ करा जाइछे। जेंता कि आमर ब्रांच सर्किट रे 10 points अलाउ कराइतला सेंता पावर सर्किट रे दुईटा पॉइंट अलाउ कराइछे।
मैक्सिमम लोड परमिटेड इन ए पावर सर्किट, मैक्सिमम केते लोड आमर परमिट कराइए पावर सर्किट रे। पावर सर्किट माने एसी हो गला, तापर आमर हीटर हो गला, तो यहाँ मैंने सब पावर सर्किट ये बेसी पावर डिमांड करथिसन। तो 3000 वाट केनसी भी गोटे पावर सर्किट आमर मैक्सिमम 3000 वाट रु बेसी ड्र नाई करवार कथा। वैल्यू ऑफ आर्थिंग रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज पावर सिस्टम, जदि लार्ज पावर सिस्टम रो आर्थिंग रेजिस्टेंस पचरा जाए 0.5 ओम हाँ तो राइट आंसर। आर्थिंग रेजिस्टेंस जदि गोटे स्मॉल सबस्टेशन रो पचरा जाए तार के राइट आंसर 2 ओम इज द राइट आंसर हाँ। आर्थिंग रेजिस्टेंस जदि गोटे मीडियम सबस्टेशन पचरा जाए सेटा हाँ 1 ओम। मैक्सिमम लोड परमिटेड इन ए लाइटनिंग सर्किट इज 800 वाट, तो मैक्सिमम लोड केते परमिट कराउला पावर सर्किट रे 3000 वाट, सेंते ही मैक्सिमम लोड केते परमिट कराई चे लाइटनिंग सर्किट रे 800 वाट। तो लाइटनिंग सर्किट बेसिकली फैन वॉल्व्स के डील करसी, आउ पावर सर्किट बेसिकली हीटर हो गला, एसी हो गला, जेन माने हाई पावर डिमांड करथिसन से सर्किट के डील करसी अमर पावर सर्किट, से इक्विपमेंट माने अमर आसी जाइसन पावर सर्किट रे अंडर रे। तो पावर सर्किट रे दुईटा पॉइंट अलाउ करा जायसी, जदि गोटे पॉइंट रे तुम एसी ऑन करुचो आ गोटे पॉइंट रे हीटर ऑन करो, तो गोटे ही सर्किट रे दुईटा पॉइंट अलाउ करा जिबा, आ मैक्सिमम केते पावर ड्रॉ करि परबे 3000 वाट। व्हेयर इज गोटे लाइटनिंग सर्किट रे मैक्सिमम केतरा पॉइंट अलाउ करा जायचे, टोटल 10 पॉइंट्स अलाउ करा जायचे गोटे लाइटनिंग सर्किट रे, आ से माने मैक्सिमम 800 वाट ड्र करें। जदि गोटे गोटे इंडिविजुअल फैन 60 एम्पियर ड्र करुचन, 60 वाट पावर ड्र करुचन, तो जदि 10टा यूज करुच तो 600 वाट रो पावर टोटल से माने रिक्वायर्ड करबे। तो 10टा के गोटे सर्किट रे इनक्लूड करा दे कर दे जा कर दिया जाई परवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ जीआई पाइप थ्रू व्हिच द अर्थ वायर्स नीड्स टू बी टेकन आउट। तो जिते बेले आमे आर्थिंग पढ़ेली से तुमको मुझे कही कि जीआई पाइप रो डायमीटर केते हेबा, जे जेन पाइप देकर तुम अर्थ वायर के तुम मूव कराव किंबा टेक करबो, तो सेटा 13 mm रो गोटे जीआई पाइप यूज करा जाए जेन भितर कि तुम अर्थ वायर के तुम मूव करसो, तो 13 mm इज द राइट आंसर। थैंक यू।